वेलकम टू टी न्यूज़ बीजापुर। मैं हूं शाकिर। गुलबर्गा जिले के रिपोर्टर सुफियान खान की ये रिपोर्ट। एडवोकेट वहाज बाबा एक मीटिंग बुलाई जिसमें उलमा मौजूद रहे। यह मीटिंग हॉलैंड में हो रहे पेंटिंग कंपटीशन के लिए थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेम ग्रीत वेल्डर्स में गुस्ताखे रसूल किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेंटिंग बनाने का कंपटीशन रखा है जिसमें एडवोकेट वहाज बाबा और उलमा गुलबर्गा इसकी सख्त कार्रवाई करने की बात। साथ एक प्रोटेस्ट होगा गुस्ताखे रसूल को रोकने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके चैनल्स के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को ये बताना चाहते हैं, ग्रीक वेल्डर नामी एक मलून खबीस जो हॉलैंड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्टी फॉर फ्रीडम का फाउंडर है, जिसने अपनी इस्लाम दुश्मन सोच से आलम इस्लाम के जज्बात को मजरू करने के लिए हॉलैंड की पार्लियामेंट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून कंपटीशन पार्लियामेंट में नवंबर में करने का ऐलान किया है और पूरी दुनिया से ये ऐलान करता है कि एक ईमेल आईडी देकर ये ऐलान करता है कि जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून अच्छे बनाएंगे नऊज़ बिल्ला, उसे पार्लियामेंट में अवार्ड दिया जाएगा कैश की शक्ल में। तो देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए, नबी की अजमत पर हमला करने वाले को अवार्ड से नवाजा जा रहा है और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा खामोश हो, ऐसा हरगिज़ हो नहीं सकता। लिहाजा इसके खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है, जिस मुहिम में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इंडिया के ईमेल पर हम मेल करेंगे और इंडिया में जो हॉलैंड की एम्बेसी है उसे मेल के ज़रिए से मेमोरेंडम भेजा जाएगा और यूनाइटेड नेशंस को मेमोरेंडम के ज़रिए से हमारा मैसेज, उस कंपटीशन को रोकने का मैसेज दिया जाएगा। तो लिहाजा मेरी उम्मत मुस्लिमा से ये अदबन गुजारिश है कि हमारे नंबर्स स्क्रीन पे दिए जाएंगे, उन नंबर्स पर आप रब पैदा कर हमसे आपके व्हाट्सएप पर मेमोरेंडम के कॉपीज मंगा लीजिए और ईमेल आईडीज मंगा लीजिए ताकि आप अपने अकाउंट से मेल कर इस कंपटीशन को रोकें। लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस मूवमेंट से जुड़िए और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब शहर गुलबर्गा के उलमा इकराम और मशाइखीन ने उज़्ज़ाम की सरपरस्ती में एक मुशावरती मीटिंग होंगी, उस मीटिंग में इस मलून के खिलाफ, ग्रीट वाइल्डर के खिलाफ शहर के अमन व अमान को बरकरार रखते हुए एक पुरअमन और मौसर एहतजाज किया जाएगा, जिसके ज़रिए से हम अपने गम गुस्से का इजहार करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये एहतजाज की डेट ऐलान की जाएंगी। तो मैं लिहाजा तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान से और उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि इस मलून नामालूम बात की औलाद के खिलाफ अपने मुहिम को शुरू करने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबरात पर आप कांटेक्ट कीजिए और हमारा मेमोरेंडम हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने मेमोरेंडम को फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये जो हॉलैंड का जो ग्रीट वाइल्डर नामी जो शख्स है वो ऑनलाइन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून के कंपटीशन को पूरा ऑनलाइन पूरी दुनिया भर में बताने वाला है। जब मायूस होने के बजाय आज आप खड़े हो जाइए और गीरत ईमानी का मुजाहरा कीजिए और बताइए कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है मगर सरकार की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता।